लॉर्ड सभी को जय मसीह की। इफिसियों 4:11 में लिखा है, 4:11 में क्या लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दिया। हालेलुया। यहाँ पे 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में बताई जा रही है। आजकल के लोग हैं जो पूछते हैं बच्चों से या किसी से जो स्टेज पे परफॉर्म करता है, उनसे पूछते हैं आप क्या करते हो, तो बोलते हैं हम लोग मिनिस्ट्री करते हैं, सेवकाई करते हैं। तो बोले क्या सेवकाई करते हो, बोले हम लोग भजनों को गाते हैं। मैंने बोला भजनों को गाना सेवकाई है? मैंने बोला नहीं, यहाँ पे आराधक के बारे में तो लिखा ही नहीं है कि आराधक की कोई सेवकाई है। पास्टर जी ऐसा लिखा है कि आराधक 5 तरह के लिखा है। मैंने बोला नहीं, आराधक सेवकाई का पार्ट नहीं है, वो आराधक सेवकाई का पार्ट नहीं है। प्रोफेट्स हैं, एपोसल्स हैं, टीचर्स हैं, है ना, और पास्टर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आराधक सेवकाई का भाग नहीं है। एक प्रोफेट को भी आराधक होना है, एक एपोस्टल को भी आराधक होना है, एक टीचर को भी आराधक होना है, एक प्रचारक को भी आराधक होना है, एक प्रोफेसर को भी आराधक होना है। ये कंपलसरी है सबके लिए। हालेलुया। ये किसी के लिए ये नहीं कि मैं आराधक हूं तो मैं दूसरा काम नहीं करूंगा, या एपोस्टल हूं तो मैं आराधना नहीं करूंगा। टीचर को, प्रीचर को, एपोस्टल को, प्रोफेट्स को, सबको ये कंपलसरी है कि आराधना करना ही है। तभी परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं पृथ्वी पे घूम के सच्चे आराधक को ढूंढ रहा हूँ। ये नहीं दिखा कि मैं अच्छे प्रोफेट्स को ढूंढ रहा हूँ या टीचर को ढूंढ रहा हूँ या प्रीचर को ढूंढ रहा हूँ। तो आराधना करने के लिए